आकाशवाणी जलंधर ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे नवी दिल्ली च 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री सतगुरू सेवा संघ ट्रस्ट विखे कई प्रोग्रामां च हिस्सा लैण लई अज मध्य प्रदेश च चित्रकूट का दौरा करेंगे। 16वीं अर्बन मोबिलिटी इंडियन कांफ्रेंस अज नवी दिल्ली च शुरू होगी। चोण कमिशन नौजवान वोटरां उपर खास ध्यान केन्द्रित करदिआं वोटर सूचियां नूं नवियाउण लई विशेष मुहिम शुरू करेगा। हॉकी विच भारत अज रांची च थाईलैंड खिलाफ औरतां दी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी दी मुहिम दी शुरूआत करेगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप च पिछली रात बेंगलुरु च श्रीलंका ने इंग्लैंड नूं 8 विकटां नाल हरा दित्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली विच भारत मंडपम विखे 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रोग्राम दौरान ओ देश भर च सिक्ख्या संस्थावां नूं 100 5G यूज केस लैब्स प्रदान करेंगे। ए 100 5G लैब्स पहलकदमी 5G एप्स दे विकास नूं उत्साहित करने लई 5G तकनालोजी नाल संबंधित मौकियां दा फायदा उठाउण दी इक कोशिश है। एह पहलकदमी देश विच 6G समर्थ अकादमिक ते स्टार्ट अप इको सिस्टम निर्माण लई भी इक अहम कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सतना जिले के चित्रकूट विखे श्री सतगुरू सेवा संघ ट्रस्ट के कई प्रोग्रामां विच हिस्सा लैणगे। साडे पत्र प्रेरक ने दस्सिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दोपहर बाद 1:45 के करीब पहुंचणगे अते पहला चित्रकूट विच श्री सतगुरू सेवा संघ ट्रस्ट विखे जाणगे। ओ रघुवीर मंदिर विखे पूजा अते दर्शन करेंगे। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा करेंगे ते जानकी कुंड चिकित्सालय की नवी शाखा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के जन्म शताब्दी वरे के जश्न मनाउण लई जनतक प्रोग्राम विच भी शामिल होणगे। प्रधानमंत्री तुलसी पीठ भी जाणगे अते ओ कांच मंदिर च पूजा अते दर्शन करेंगे। श्री मोदी तुलसी पीठ के जगतगुरु रामानंदाचार्य का आशीर्वाद भी लैणगे अते जनतक समागम विच शामिल होणगे। तुलसी पीठ चित्रकूट विच एक अहम धार्मिक अते समाज सेवा संस्था है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछली शाम बेंगलुरु तो चेन्नई पहुंचे। चेन्नई हवाई अड्डे ते राज दे राज्यपाल R.N. रवि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ते राज मंत्रिमंडल दे सीनियर मंत्रियों ने उन्हां दा स्वागत कीता। अज रात ओ राजभवन च ठहरनगे। राष्ट्रपति अज चेंगलपेट जिले च उथंडी विखे इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की 8वीं कन्वोकेशन की प्रधानगी करनगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सवेरे हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकैडमी विच भारतीय पुलिस सेवा IPS प्रोबेशनरां ते 75वें बैच की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। रस्मी मार्च पास तो बाद केंद्रीय मंत्री प्रोबेशनरां नूं संबोधन करेंगे। अकैडमी के डायरेक्टर अमित गर्ग ने दस्सिया कि दीक्षांत परेड विच 155 IPS अफसर सिख्यार्थी अते दूजे देशां दे भी अफसर सिख्यार्थियों समेत कुल 175 अफसर सिख्यार्थी हिस्सा ले रहे ने। औरत अफसर सिख्यार्थियों की मौजूदगी बारे बोलदिआं श्री गर्ग ने कहा कि परेड विच 34 औरत अफसर हिस्सा ले रही ने जिन्हां विच 32 IPS अफसर सिख्यार्थी अते 2 विदेशी अफसर सिख्यार्थी शामिल ने। इस दौरान श्री शाह बाद विच शाम नूं चोणां वाले राज तेलंगाना दे सूर्यपेट विच इक जनसभा नूं संबोधन करनगे। आज नवी दिल्ली विच शुरू हो रही 16वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कांफ्रेंस 2023 विच शहरां विच कुशल उच्च गुणवत्ता एकीकृत अते लचकीले शहरी ट्रांसपोर्ट सिलसिलिआं नूं डिजाइन अते लागू करना एजेंडे च मुख होएगा। मकानां अते शहरी मामलिआं बारे मंत्रालय दी अगवाई हेठ दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड दे सहयोग नाल कराई जा रही इस 3 दिना कांफ्रेंस दा उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वल्लों कीता जाएगा। कांफ्रेंस दा विशा एकीकृत अते लचकीली शहरी आवाजाही। ये खबरां तुसी आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे हो। चोण कमिशन अज तो नौजवान वोटरां ते विशेष ध्यान दिंदिआं चोणां वाले 5 राज्यां नूं छड्ड के बाकी थावां ते वोटर सूचियां विच वेरव्यां नूं अपडेट करन दी मुहिम शुरू करेगा। अदाकार राजकुमार राव नूं कल चोण कमिशन दा राष्ट्रीय आईकॉन नियुक्त करन तो बाद पत्रकारां नूं संबोधन करदिआं मुख चोण कमिश्नर CEC राजीव कुमार ने कहा कि 17 साल तो वध उमर दे नौजवान वोटर सूची विच अपना नां दर्ज करवाउण लई पहलां तो अर्जी दे सकदे ने। चोण कमिशन ने राजस्थान च चोण मुहिम दौरान कथित तौर ते आदर्श विहार ते साबते दी उलंघना लई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी नूं कारण दसो नोटिस जारी कीता है।
बीजेपी ने इस संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई सी। चोन कमीशन ने असाम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा भी छत्तीसगढ़ में चोन प्रचार दौरान कथित इतराजयोग टिप्पणियों लिए कारण दसो नोटिस जारी किया है। इसने दोहा नेतावां इस महीने की 3 तारीख तक जवाब देने लिए किया है। मध्य प्रदेश विच विधानसभा चोणां लई कल राज दे सारे 230 विधानसभा हल्कियां विच 377 उम्मीदवारां वल्लों 458 नामजदगी पत्र दाखल कीते गए। सूबे विच हुण तक 660 उम्मीदवारां वल्लों कुल 785 नामजदगी पत्र दाखल कीते जा चुके ने। नामजदगियां दाखल करन दी आखरी तरीक 3 अक्तूबर ए। इस दौरान राज विच चोणां लई 17 नवंबर नूं जनतक छुट्टी ऐलानी गई ए। पंजाब बीजेपी दे सूबा जनरल सकत्तर ते पार्टी दे युवा मोर्चा इंचार्ज परमिंदर सिंह बराड़ ने नौजवानां नूं मोहरी होके बीजेपी लई काम करन अते सूबे विच पार्टी नूं सत्ता विच लिया के सूबे नूं खुशहाल बनाउण विच अपना योगदान पाउण दी अपील कीती ए। चंडीगढ़ विखे पार्टी दफ्तर विच कल युवा मोर्चा दी टीम मीटिंग नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि सूबे अते देश दी खुशहाली लई जरूरी ए कि दोवें थां सेवा करन दी जिम्मेवारी बीजेपी कोल होवे। उन्हां युवा मोर्चे दीआं सारीआं टीमां नूं स्थानक ते लोक सभा चोणां दीआं तैयारियां विच जुटन, आपो अपने इलाके दे लोकां नाल संपर्क करन, उन्हां दे हर दुख सुख विच हमेशा शामिल रहन अते उन्हां दीआं समस्यावां हल करवाउण लई अग्गे आउण लई आख्या। परमिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि आउण वालीआं लोक सभा चोणां च 13 दीआं 13 सीटां जित के श्री मोदी नूं तीजी वारी देश दा प्रधानमंत्री बनाउण विच नौजवान अपनी अहम भूमिका निभाउण। जम्मू कश्मीर विच पाकिस्तान रेंजरां ने कल जम्मू डिवीजन दे अरनिया सैक्टर दे आरएसपुरा इलाके विच अंतर्राष्ट्रीय सरहद दे नाल बिना उकसाहट दे गोलीबारी करदिआं गोलीबंदी दी उलंघना कीती ए। आकाशवाणी दे पत्र प्रेरक ने दस्या कि गोलीबारी राती 8 बजे दे करीब शुरू हुई अते चौकस बीएसएफ जवानां द्वारा प्रभावशाली ढंग नाल जवाबी कारवाई कीती गई। वसनीक अते लोक सुरक्षित स्थानां ते चले गए अते जीरो लाइन दे नेड़े दे पिंडां विच रहण वाले वड्डी गिणती विच लोक आरएसपुरा बिश्ना ते जम्मू दे इलाकियां वल वधदे देखे गए। स्थानक प्रशासन ने उन्हां लई स्कूल अते पंचायत घर खोल दिते ने। फरवरी 2021 विच भारतीय फौजियां ते पाकिस्तानी फौज दरमियान होए समझौते तो बाद गोलीबंदी दी उलंघना दी ए पहली वड्डी घटना ए अते इसे खेतर च इस महीने गोलीबंदी दी उलंघना दी ए दूजी घटना ए। इस तो पहला 17 अक्तूबर नूं पाकिस्तान रेंजरां दी गोलीबारी विच बीएसएफ दे 2 जवान जख्मी हो गए सन। केंद्रीय व्यापार ते सनत मंत्री पीयूष गोयल इस महीने की 28 तो 29 तरीक तक जापान च ओसाका विखे ग्रुप ऑफ 7 व्यापार मंत्रियों की मीटिंग च हिस्सा लैणगे। मंत्री कुछ G7 देशां विशेष तौर ते सदे गए देशां अते अंतरराष्ट्रीय संगठनां नाल तवल्लिया मीटिंगां भी करनगे। व्यक्तिगत करदातावां वल्लों दर्ज इनकम टैक्स रिटर्न साल 2013-14 च 3.36 करोड़ तो वध के 2021-22 च 6.37 करोड़ हो गई ने, जो 90% का वाधा दर्शाउंदा है। खजाना मंत्रालय ने कहा है कि व्यक्तिगत करदातावां लई औसत कुछ आमदन च 2013-14 तो 2021-22 दे समय दौरान 56% का वाधा दर्ज किया गया है। हॉकी विच भारत अज रांची विच थाईलैंड खिलाफ औरतों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मुहिम की शुरुआत करेगा। भारत ने 2016 विच एक बार यह खिताब जीतया सी ते पिछला चैंपियन जापान ए। रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोट्रफ हॉकी स्टेडियम विच होने वाले इस 10 दिनों के मुकाबले का हजारा हॉकी प्रेमी बेसब्री नाल इंतजार कर रहे ने। हांगजो च एशियाई पैरा खेडा च भारत ने हुण तक दे सब तो वध 84 तमगे हासिल कीते ने, जिन्हां च 20 सोने दे 23 चांदी दे ते 41 कांसी दे तमगे शामिल ने। प्रधानमंत्री ने तमगे जित्तण वाले सारे खिडारियां नूं वधाई दित्ती ए। मर्दां दे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप विच बीती शाम बेंगलुरू विखे श्रीलंका ने इंग्लैंड नूं 8 विकटां नाल हरा दित्ता। अज पाकिस्तान दा दक्षिणी अफ्रीका नाल मुकाबला होएगा। आखिर च खास खबरां एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी अज सवेरे नवी दिल्ली च 7वीं इंडियन मोबाइल कांग्रेस दा उद्घाटन करनगे। प्रधानमंत्री श्री सतगुरू सेवा संघ ट्रस्ट विखे कई प्रोग्रामां च हिस्सा लैण लई अज मध्य प्रदेश चित्रकूट दा दौरा करनगे। 16वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कांफ्रेंस अज नवी दिल्ली च शुरू होगी। चोण कमीशन नौजवान वोटरां उपर खास ध्यान केन्द्रित करदिआं वोटर सूची नूं नवियां एक विशेष मुहिम शुरू करेगा। जो हॉकी च भारत अज रांची च थाईलैंड खिलाफ औरतों की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मुहिम की शुरुआत करेगा। आकाशवाणी जलंधर तो खबरां खत्म हुईआं।